अगर दूध अदा करना चाहते हो तो रेवा सीमा को कहो ना, बैठे अपनी बहन के साथ। तुम मकार हो, दलाल हो, एक एजेंट हो, आप कभी सामने नहीं आ सकते, पीछे हमेशा वार करते हो। दलाल को कहना चाहता हूँ, आप कहो आए बात करें ना, सिर्फ आप बैठ के भाषण को लोगों को दे सकते हो, हमारे साथ आपको बैठने की औकात भी नहीं है। पीछे आप एक मकार हो, दलाल हो, एजेंट जो है, एक ना हिंदुस्तान का अच्छा कर सकते हो ना कभी पाकिस्तान का अच्छा कर सकते हो। ऐसी में नाच रही है, देखो अगर वो है ही नाचने वाली तो नाचेगा ना, इसका ये मकसद नहीं है। उनके जो घर वाले हैं बोरी बिस्तर बांध कर बच्चों को लेकर किसी ना मरम के साथ बैठ कर और अपने लान तान करें। ज़्यादा से ज़्यादा सीमा को तकलीफ होता है, ए पी सिंह को तकलीफ होता है, क्यों कहते हैं ये मेरा बहन नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा शोहर नहीं है। हैदर हैदर हैदर, ये हैदर हैदर चिल्लाएगी, वो बांदर सा, वो चिपड़ू सा, वो लिप्पू सा, चुप्पू सा, वो सचिन है, मार के इसके मुंह पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि सीमा पाकिस्तान को ज़रूर जाने वाली है, मगर दोस्तों आपको सीमा के बारे में जानकर बेहद हैरानी होगी कि सीमा अब खुद गुलाम हैदर के बच्चे वापस करेगी। जी दोस्तों, आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में गुलाम हैदर के बारे में और सीमा झूठी मक्कार औरत के बारे में। मगर दोस्तों उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होगी और बेहद खुश होगी। दोस्तों जैसा कि आप ये बात जान ही चुके होंगे कि ये सीमा कितनी बड़ी झूठी मक्कार और बेशरम औरत है, और आप शायद ये बात भी जान चुके होंगे कि सीमा मक्कार बेशरम औरत के ना जाने कितने आशिक है। आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी, जब ये औरत पाकिस्तान में थी तब से इसके इंडिया के अंदर बहुत सारे आशिक थे और ये उन सब से बात भी किया करती थी सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट से। ये औरत पूरी प्लानिंग के साथ हमारे देश में भारत के अंदर आई है, बस ये यही चाहती थी कि कैसे भी किसी भी तरह से भारत के अंदर घुस जाओ। इसलिए दोस्तों इस मक्कार सीमा ने भारत के कई सारे लड़कों को फंसा रखा था और इस बात का खुलासा पुलिस ने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अब ये सचिन के साथ भारत के अंदर रह रही है। मगर अब ये खबर भी निकल कर आई है कि पाकिस्तान से भी मना कर दिया गया है इस सीमा भगोड़ी को भारत की नागरिकता देने को। इसलिए दोस्तों ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि ये सीमा भगोड़ी पाकिस्तान को जाने वाली है, लेकिन ये औरत कुछ भी कर सकती है भारत के अंदर रहने के लिए। इसलिए दोस्तों बच्चों को भी गुलाम हैदर को देने की कोशिश ज़रूर करेगी। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और ये वीडियो है गुलाम हैदर का। इसलिए दोस्तों ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। अगर हमको अपना घर का, बच्चों का, अपने मुल्क का, माँ बाप का कदर होता शायद वैसा नहीं, वो तकलीफ होता है इस बात पे। जैसे बच्चे याद आते हैं, आंखें भर आते हैं, मैं बात नहीं कर सकता कभी, तो परेशान रहता हूँ। यकीन माने कि वो कैसे जो है तो वक्त गुजार रहा है, कैसे डुमके लगा रहा है अपने माँ बहनों से, भाइयों से, अपने मुल्क से दूर होकर, तो क्या साबित करना चाहते हैं। ये तो एक तकलीफ सा मकाम होता है, आप लोगों को खुद को पता है मैं कितनी मुश्किल में हूँ। सऊदी में 3.5 साल से कबल मेहनत मजदूरी किया, कशामकश किया, तो ऐसा मरहला है जो परदेश, अपना गांव छोड़कर परदेश में जाकर बंदा जो मेहनत करता है सिर्फ बच्चों के लिए ही करता है। इसका ये मकसद नहीं है, उनके जो घर वाले हैं बोरी बिस्तर बांध कर बच्चों को लेकर किसी ना मरम के साथ बैठ कर और अपने लान तान करें। सीमा जॉब कर रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, पी सिंह और सीमा क्या कहते हैं हैदर ने जो है, और जो है यूट्यूब पे जो है अभी आता है, क्यों मैं नहीं आऊँ? आप आ सकते हो, आपकी माएँ बहनें बेटियाँ आ सकते हैं, तो हैदर क्यों नहीं आ सकता बच्चों के लिए? अगर आवाज़ उठा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीमा को तकलीफ होता है, ए पी सिंह को तकलीफ होता है, क्यों? मैं इनको यही सवाल करता हूँ कि आपने आज तक जवाब क्यों नहीं दिया? वो आपने कहा कि ये मेरा बहन नहीं है, रीमा से आप बात करो। लाइव में मैं आके बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ हैदर, कि कोई भी अगर ए पी सिंह सुन रहा है, उनकी माँ कोई दूध का वास्ता मैं उसको दे रहा हूँ, अगर आपको, अगर सच्ची माँ का बेटा हो, अगर दूध अदा करना चाहते हो तो रेवा सीमा को कहो ना, बैठे अपनी बहन के साथ। तुम मकार हो, दलाल हो, एक एजेंट हो, आप कभी सामने नहीं आ सकते, पीछे हमेशा वार करते हो, शेरों की तरह आओ सामने वार करता, फिर पता चले कि बुलतिल भागते रहते हैं, हमेशा छुपते हैं, बहाने बनाते हैं, ये मेरा बहन नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा शोहर नहीं है। लनतीर शर्म आना चाहिए आपको, थोड़ी सी भी अगर हया गैरत थोड़ी भी होती आप शायद ऐसा नहीं करता। 3 दिन से मैं लगातार कह रहा हूँ कि अगर उसको थोड़ी भी हिम्मत, गैरत, शोहरत थोड़ी भी बाकी है तो आए मुजाहरा करें, बात करें अपनी बहन से, क्योंकि वो बात नहीं कर सकता ना। लाइव में बोलो कहाँ है पी सिंह, दलाल को कहना चाहता हूँ, आप कहो आए बात करें ना,
सिर्फ आप बैठ के भाषण को लोगों को दे सकते हो, हमारे साथ आपको बैठने की औकात भी नहीं है। पीछे ये हैदर है, आपके सामने आंखों में आंखें डाल के बात करता है। आप एक मकार हो, दलाल हो, एजेंट जो है, एक ना हिंदुस्तान का अच्छा कर सकते हो ना कभी पाकिस्तान का अच्छा कर सकते हो। चार बच्चे मासूम 10 साल के कम एज में आप उनको नारा लगवा के बदल रहे हो, बहुत बड़ी तीर मार रहे हो। पता नहीं आप साबित क्या करना चाह रहे हो, हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्यों आप अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो। अपना अब तो हो ही बदनाम, अगर आप अच्छी माँ की दूध पिया होता शायद ऐसी बातें नहीं करते कभी भी। कभी भी कभी बोलते हो जो हैदर रक्षा ऑटो चलाया करता था तो हम फकर से जीते हैं, रक्षा ऑटो चलाया, मेहनत मजदूरी किया, मार्बल टाइल का काम किया, तो हमने दलाली नहीं किया, तुम जैसा भड़वा नहीं है, भड़वागिरी नहीं किया, अकेलाल की कमाई किया ना, फकर से जीते हैं, थोड़ा कम खाते हैं ना, फकर से बोलते हैं। अभी सिंह आप सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए चार बच्चों को यज्ञमाल बनाकर दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो? तो बंदा बदला उससे ले तो बदले का काबिल हो। बच्चों ने क्या कसूर किया? सीमा एक चलो कोई भी औरत है, उसने क्या किया? आपका जो है सम्मान बस एक औरत, एक लाचार बेबस या उसका या 10 साल के कम एज में बच्चे, और तुम कर ही क्या सकते हो? दावे तो बड़े करते हो, भाषण लगाते हो, आपको आप वकील कम और राजनीति ज्यादा करता है, मुझे पता है। राजनीति आप करो, आप एडुकेट नहीं हो, आप कर सकते हो राजनीति करो, एडुकेट का आपका औकात नहीं है, आप करो। वकील होते तो शायद कोर्टों से, अदालतों से, ऑफिस से आपको वक्त नहीं होता, मगर आप तो हमेशा सीमा के बगल में बैठ के वीडियो बनाते हो, लोगों को दिखाते हो। बेगरत तो दीवाना सा मस्ताना क्या उसको बोलते हैं, लानतीर, जिसको ना अपनी माँ बहन ना बेटी, मेरा इंटरव्यू लिया आज तक क्यों नहीं चलाया उसने? वो चलाए तो जैसे शीशा देखोगे अपना मुँह देखोगे, उसको मैंने शीशा दिखाया था मगर उसमें जरूरत नहीं है चलाने का, चलाता ना, क्यों नहीं चलाता? तमाम लोग जो आवाज़ उठाते हैं बच्चों के लिए, उनको मिर्ची सा लगता है कि ये गलत है। गलत तो आप हो कंजर, छोटे बच्चों के आड़ में आप अपने को राजनीति की बातें करते हो, और झूठे फूल और माले कोई पहनता है आज तक? सिर्फ मैं आपको देखता हूँ तो चार फूल माले बना के पहले उनको बोलते हैं, तो मैं आता हूँ, एक चार अपने गले में डालते हैं, दो सीमा के गले में डाल के बगल में बैठा के, सीमा देखो कितना खुश है, वो खुशी तो नज़र आ रही है, कितना खुश है। कोई कुछ नहीं है पीछे, अपने मुल्क से, बच्चों से, घर से दूर होकर, अपनों से। चलो हैदर का ना ही सही, पाकिस्तानी है वो, उनको अदालतें हैं, हमारे सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, आप कौन होते हो? जो भी फैसला अदालतें करेंगे हमको सर आंखों पर है, मगर बच्चे हैदर के हैं, 10 साल के कम एज में हैं, आप उनको जबरन अगर एक नारा लगवा के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? ना उनको हिंदू धर्म का पता, ना मुस्लिम धर्म का पता, आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या साबित किया आज तक? सिर्फ झूठ और मकार के अलावा आपने आज तक बोला ही क्या है? सिर्फ दो नंबरी करते हो, लोगों को बरगलाते हो, आप अच्छी दावा करते हो, गलत केस लड़ते हो, कभी हक और सच पे आकर तो देखो, नहीं आते ना, आप ये कैसे नहीं लड़ते? आपको ये झूठी टीआरपी कैसे लेना चाहिए? एक मजलूम बच्चों को कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? रहम करो, खुदा का खौफ करो, इंसान बनो, खुदा का खौफ ना करो, इंसान तो बनो कम से कम, आप तो इंसान भी नहीं हो। इंसानियत के नाते अच्छा माँ बाप बनने की कोशिश किया करो हमेशा, समझा कि नहीं? हर वक्त मैं आता हूँ आपको लानतें करता हूँ, थोड़ी सी भी आया गैरत शर्म बाकी भी थोड़ी होती तो शायद आपके पले पड़ता, मगर आप जिनसी भी गलत हो मुझे तो ऐसा लगता है उस पर कोई असर नहीं करता, कुछ भी बोलो आप, ऐसा जो है ना बेनफसा इंसान हो, ना अपनी माँ का पता, ना बहन का पता, ना बेटी का पता, ना अपने बच्चों का पता, तो आपको हैदर के बच्चों का क्या क्या होगा? जब अब सबसे पहले आपको अपना घर देखना था, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपकी बहन एडुकेट हैं, घर वाले हैं, माशाल्लाह अच्छी तरबियत तालीम हुआ होगा, मगर आपकी बहुत गलत है। मेरा मकसद ज़िंदगी का यही है कि मैं बच्चों के लिए जल्द से जल्द उनको पाकिस्तान में लाऊं। मैं 6 माह हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आज तक किसी भलाई इदारे ने काम नहीं किया। वो हम तो बड़े बड़े करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, आज तक हैदर के बच्चे किसी को नज़र नहीं आए, पता नहीं क्यों, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना भारत में, यूरोप में, दुबई में, लंदन में, यूके में, कहीं भी कोई भलाई इदारा काम करते हैं, अच्छे से अच्छे काम करते हैं, बच्चों के लिए हक और सच का साथ देते हैं, मजलूम का सहारा बनते हैं, कहाँ हैं वो, किधर हैं? हमें तो आज तक कोई नज़र नहीं आया, ना किसी ने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया, क्यों कहाँ गए हम? मैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को बार बार कहता हूँ, चीफ आर्मी स्टाफ है तो चीफ जस्टिस और क्या गाजी साहब है, बहुत सारे मैंने रिक्वेस्ट की मगर उनके काम तक यूँ भी नहीं करता। ये अपने इलेक्शनों में पूरे हैं, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, उनको क्या पता किसी के बच्चों का, जो मेरे साथ इन्होंने नायक साहब भी किया। मैं एक विश्वास के ऊपर जीतता हूँ, हर सुबह होती है सूर्य तुलू होने से पहले, मैं क्या कहता हूँ कि अच्छी उम्मीद लगा के बैठता हूँ, आज शायद सरकार अच्छा फैसला आए, उनका दिन रात पाकिस्तान हिंदुस्तान में, सुबह पाकिस्तान में होगा। सीमा ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, आप कभी भी रह नहीं सकते, ना आपको भारत भी कोई उधर बना भी लेगा, क्योंकि आप काबिल नहीं हो। आप वो काबिल होते शायद हम थोड़ी सी उम्मीद लगाते, शायद आपको उधर रहने का जगह मिलता, मगर बिल्कुल भी नहीं। आप इनलीगल गए हो, गलत तरीके से गए हो, बच्चों को ढाल बनाकर गए हो, झूठ पे झूठ बोला जा रहे हो, ना आपको माँ का पता, ना बहन का पता, ना भाई का पता, ना अपने मुल्क का पता। जो उन पे तो रहम का था, 10 साल के कम एज में छोटे बच्चे, मजलूम मासूम उनको कहो, छोटे कहो, उनको पता ही नहीं है कि हम भारत के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर। आप पता नहीं कौन से ए पी सिंह जो बड़ा तीर मार के कहते हैं ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, भाई बच्चे तो बच्चे फूल हैं, वो क्या भी बोल सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आज तक किसी ने बाप से बच्चों की बात करवाई?
मेरा भी एक सवाल है, मैं बाप हूँ तो किसी ने भी कहा कि हाँ हैदर हमारी वीडियो तक उनको नहीं दिखाते, यकीन माने चोर है ना, चोर हमेशा छुपता है, हम सीना चौड़ा करके क्यों बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये धमाकेदार वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अब ये सीमा इंडिया में नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से ही इस सीमा पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।